नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है टेक्निकल मनु जी। और आज की जो वीडियो बनने जा रही है वो बनने जा रही है रियलमी X7 के पैक कवर के ऊपर। ये मेरे हाथ में इस समय रियलमी X7 है जिसमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ चुका है नया वाला। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल को, उस पर वीडियो मिल जाएगी आपको। ये प्रोडक्ट है रियलमी X7 का बैक कवर जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। 194 रुपीस में मंगाया था, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, वहाँ पर मुझे पूरा फ्री मिला एक तरह से 0 रुपये में। ऐसा कैसे हुआ इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। इस वीडियो में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें माइक ऑफ रह गया, जिस कारण से इसमें आवाज़ नहीं आ पाई, तो इसलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं इसमें। तो इस फ़ोन के लिए मंगाया था मैंने, जो कि नॉर्मल ट्रांसपेरेंट आया था। ये कुछ दिनों बाद पीला सा पड़ने लगता है, इस चक्कर में अब इसके लिए नया केस मंगाना, हार्ड केस मंगाना बहुत ज़रूरी था, उसी को मंगाया है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं थोड़ी सी देर में। बाकी इस फ़ोन से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको चाहिए आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। और इसको पैकेट को कट करेंगे और कट करने के बाद दिखाएंगे किस कलर का मैंने मंगाया है। तो जल्दी से कट करते हैं। तो पैकिंग इसकी बढ़िया है, ठीक ठाक सी है, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला उसके जो ये आप देख सकते हैं कैमरे के जो डायमेंशन वाले होल हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो माइक के होल थे वो प्रॉपर नहीं थे। माइक जो एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, एक नॉइस कैंसिलेशन वाला था, तो उसके होल प्रॉपर ना होने के चक्कर में मुझे ये रिटर्न डालना पड़ा, रिटर्न रिक्वेस्ट डालनी पड़ी इसकी। और मैंने रिफ़ंड मांगा और मैंने रीज़न क्या दिया था वो बता देता हूँ, जिससे कि अगर आपको भी एक गलत प्रोडक्ट मिलता है तो आप भी उसी रीज़न को डालें, और डालने के बाद आपका प्रोडक्ट या तो वापस चला जाएगा, मेरा तो नहीं गया और लेकिन मुझे रिफ़ंड मिल गया। तो मैंने इसमें डाला डिफरेंट प्रोडक्ट का रीज़न डाला कि डिफरेंट प्रोडक्ट मुझे मिल चुका है। देखो मैं मैच करके भी दिखा रहा हूँ, मैच साइज बिल्कुल सही है इसका, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट मुझे मिल चुका है और इसके जो होल थे माइक के होल वो प्रॉपर नहीं बैठे। और देखो मैं फिट करके दिखाऊंगा मैं आपको, वो प्रॉपर नहीं बैठे इसके, देखो यहाँ पे बिल्कुल आगे पीछे जा रहा है। तो अब मैंने कहा मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा, मेरे 194 रुपीस भी चले गए और उसके माइक के प्रॉपर होल भी नहीं बैठ रहे सही, जो उसमें बनावट दे रखी है वो डिफरेंट थी। इसी कारण से मैंने रीज़न दिया और मेरा जो रीज़न था वो एक्सेप्ट कर लिया गया और मुझे रिफ़ंड इनिशिएट कर दिया गया। अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आए, लेकिन मैंने कस्टमर केयर से कॉल की थी, उन्होंने कहा आपके 8 सितंबर तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, और प्रोडक्ट वापस भी नहीं गया। तो अब ये मैं सोचता हूँ फ़िलहाल तो पैसे आ जाएं, उसी बाद उस प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करूँ। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है उसे, ऐसी पैकिंग में है कि कई बार चांस लेने आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है क्योंकि उस पर जो स्क्रीन पर दिखाई देता है फ्लिपकार्ट की स्क्रीन पर, तो जब हम माई ऑर्डर में चेक करते हैं तो वहाँ पे लिख के आ जाता है कि रिटर्न पिकअप आपका कब होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जब डिफरेंट प्रोडक्ट आ गया तो वो जो सेलर है वो भी अपना प्रोडक्ट वापस लेना नहीं चाहता। देखो इसके माइक के होल मैच नहीं कर रहे, फिर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बैक प्रोडक्शन चाहिए इसके लिए कि फ़ोन की बैक साइड से ये प्रोडक्शन मिलती रहे, तो मैं लगा लूँगा। मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी इसे लगाने के बाद कि भाई मेरी जो रिकॉर्डिंग में नॉइस होती है नॉइस कम हो रही नहीं हो रही है, प्लस जो भी आवाज़ कैप्चर होनी चाहिए वो कैप्चर हो रही नहीं हो रही, वो प्रॉपर हो रही है। तो बस इसके होल जो है माइक के वो आगे पीछे हैं, लेकिन इन आगे पीछे होने से कोई रुकावट नहीं आ रही, वो मैंने चेक कर लिया था। तो बस मैं तो अपना रिटर्न रिक्वेस्ट डाली और रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया, ये नहीं कि रिप्लेसमेंट, मैंने रिफ़ंड के लिए किया और वो रिफ़ंड के लिए एक्सेप्ट भी हो गया और प्रोडक्ट भी वापस नहीं गया, इसलिए इस तरीके से फ्री हो गया। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।